हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगली अमेंडमेंट, तो इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि मान लो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, या पेरिस प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, किगली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। सो इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में। एक स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने स्टॉकहोम 1972 की कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा था कि एनवायरमेंट से रिलेटेड थी। उसके बाद हमने अर्थ समिट जो है या रियो में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो फिलहाल बारी है जी वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगली अमेंडमेंट की। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज तीन टॉपिक्स में एक ही क्लास में मर्ज करके, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आ जाए। अदरवाइज मुझे ज्यादा वीडियो बनानी हो तो मैं इन तीनों को भी अलग अलग कर सकती हूँ, बट उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को मेरी स्पीड ज्यादा लगती है वो कम कर सकते हैं यूट्यूब पे, और कम लगती है वो ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सो बात आती है जी वियना कन्वेंशन की। सो एक तरीके से अगर आपको याद हो तो 1972 में हमने एनवायरमेंट के प्रति अपना कंसर्न दिखाया था फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, ह्यूमन एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों पर डिस्कस किया था। उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1983 में एक जो है वर्ल्ड कमीशन भी एस्टेब्लिश किया जाता है। सो 1983 के बाद को अगर हम देखें, सो 1985 तक हमें ये तो समझ आने लग गया कि हाँ, मतलब हमें एडवांसमेंट्स जो है वो दिख रही थी, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हमें हो रही थी ओजोन डिप्लीशन की, कि जो हमारी लेयर है ओजोन लेयर, अब आप ये कौन सी उसमें है अपनी एयर वाली में, मतलब ट्रोपोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, कौन सी लेयर में है ये आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो जो अपनी ओजोन लेयर है ना, O3, ओजोन मतलब O3, तो इसकी एक लेयर बन रखी है और वो लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, मतलब अब वो लेयर वहां से ओजोन जो है वो यूज होके, और मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसे वाली कोई चीजें हैं, ठीक है, बट ये अगर यहाँ ओजोन प्रेजेंट है और हम अगर नीचे से कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं कि यहां तक क्लोरीन के कंपाउंड्स पहुंच रहे हैं, सो वो क्लोरीन और O3 रिएक्ट करके, तो ये O3 जो यहां पे है लेयर है ये यूज होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं कि ओजोन डिप्लीट हो रही है वहां से। अगर ओजोन डिप्लीट हो गई तो हमारी ह्यूमन जो हेल्थ है, एनवायरमेंट है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ओजोन की वजह से ही हम प्रोटेक्ट हो पाते हैं जो यूवी रेडिएशंस हैं जो सन से आ रही हैं उनसे, ठीक है। अगर वहां से सीधी की सीधी यूवी रेडिएशंस आ गई, ओजोन ने नहीं रोका उनको, लेयर वहां से हट गई है, या ये लगा लो एक पर्दा सा है और वो फट गया है वहां से बीच से, ठीक है, सो वहां से दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। So, ये अंडरस्टैंडिंग हमें 1985 तक समझ आ रही थी। सो ओवरऑल आपको अभी तक इतना तो पता चल गया होगा कि ओजोन डिप्लीशन का इश्यू है, ओके, और उस इश्यू को सॉर्ट आउट करने के लिए हम वियना कन्वेंशन जो है वो लेके आते हैं। वियना जगह है एक ऑब्वियसली, सो वियना कन्वेंशन किस लिए है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, जहां से खराब हो गई है वहां से ठीक करने की कोशिश करनी है, ये लगा लीजिए, और जहां से ठीक है उसको ठीक ही रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये कैसे हो पाएगा? ये जो जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं सब्सटेंसेस, जिसको हम ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस भी बोल देते हैं, ODS, सो उनको हमें रिड्यूस करना है, धरती पे पैदा करना, वो प्रोड्यूस जो हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, उनको कम करना है, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट निकल के आता है हमारा, जो फ्रेमवर्क है कन्वेंशन एक तरीके से, जो कि कुछ एक प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे सामने रखेगा अलग अलग पार्टीज या अलग अलग देशों के सामने। इट डज नॉट हाउएवर रिक्वायर कंट्रीज टू टेक कंट्रोल एक्शंस टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। सो ऑब्वियसली ये सारे के सारे कंट्रीज के ऊपर भी अब वो लगेगी चीजें कि आपको इतना रिड्यूस करना है अपना जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या वो सब चीजें, ठीक है। और ये एक बेसिक सी बात हुई 1985 में, और फिर 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकल के आता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिस्कस करना इन्होंने शुरू किया ना ओजोन लेयर से रिलेटेड 1985 में। तो 1987 यानी एक दो साल बाद ही, तो एक दो जो इनकी पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई होगी उसी में इन्होंने फिर डिस्कस कर लिया और मॉन्ट्रियल में जाके एक प्रोटोकॉल जो है, गाइडलाइंस जो है निकाल दी, ओके। सो 1987 में निकल के आता है, ठीक है। सो ये एक स्टोरी सी है ओवरऑल वियना कन्वेंशन की और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। सो वियना कन्वेंशन के बारे में याद रखने वाली चीज ये है कि इट वॉज द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ एनी काइंड, मतलब धरती पे जहां पे हर एक कंट्री ने इसको साइन किया है, टेकिंग इफेक्ट इन 1988, और यूनिवर्सल रेटिफिकेशन पहुंच गया है जी 2009 में। यानी कि वियना कन्वेंशन की बात हुई है 1985 में, और 2009 तक
हर एक देश ने यूनिवर्सली जो है इसको रेटिफाई कर दिया है, मतलब हर एक देश ने इस पे साइन कर दिया है और वो इसकी बातों को मानेंगे, सब लोग डिस्कस करके इस बात को मानेंगे, क्योंकि इसको ये ओजोन लेयर को संभालना बहुत वो है, मतलब जरूरी है, ठीक है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अपनी तरह का कोई भी एक फर्स्ट कन्वेंशन कौन सा है जो कि यूनिवर्सल रेटिफिकेशन जिसको मिली हुई है, तो वो यूनिवर्सल रेटिफिकेशन वियना कन्वेंशन को मिली हुई है और 2009 में मिली हुई है, ठीक है। किस बारे में बात करेगा ये? ओजोन डिप्लीशन के बारे में बात करेगा कि क्या क्या चीजें या कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है। एम क्या है? टू प्रमोट कोऑपरेशन, यानी जो नेशंस हैं, मान लो डेवलप्ड नेशंस हैं या डेवलपिंग नेशंस हैं या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, सो उन सब की हेल्प करनी है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है कि क्या क्या इफेक्ट जो है वो होता है ह्यूमन एक्टिविटीज का, कैसे हमें ठीक करना है। तो वो सारा मुद्दा घूम फिर के किसके आसपास रहेगा? ओजोन लेयर के आसपास रहेगा, कि उसको डिप्लीट होने से बचाना है, ठीक है। इन डूइंग सो जो क्रिएटर्स हैं कन्वेंशन के, वो होप्ड पॉलिसी मेकर्स कि वो जो भी चीजें हैं ना, मतलब कोई भी पॉलिसी अगर आप बना रहे हैं, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वहां पर आप ओजोन डिप्ली, मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए, तो उसको आपको कॉम्बेट करना, ठीक करना है, आपको मेजर्स लेने हैं पहले से, ठीक है। तो ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स अगर इस तरीके से पॉलिसी बनाएंगे कि अगले जो भी इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं या जो भी इंडस्ट्रीज पहले से एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज ना हो एनवायरमेंट में वहां से, कि जिससे ओजोन डिप्लीशन की नौबत आए, ठीक है। ओजोन में जैसे हमने बोला कि सारे के सारे अभी तो यूनिवर्सल रेटिफिकेशन है, तो न्यूएस्ट मेंबर आप याद रख सकते हैं साउथ सूडान जो है न्यूएस्ट मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, जिन्होंने वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फिर उन्होंने रेटिफाई किया है, ठीक है। वियना कन्वेंशन की फर्दर बात करें तो यूनिवर्सल रेटिफिकेशन जो है, और हम बोल देते हैं कि वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों का ही, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी के अंडर जो है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया गया था एक तरीके से, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पे ये प्रोटेक्शन वाली ट्रीटीज चल रही हैं। ओजोन सेक्रेटेरिएट इन्होंने बना रखा है, वुड लाइक टू एक्सटेंड इट्स वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस किसको, सभी कंट्रीज को, रिमार्केबल अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है। तो इसमें तीन सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे वियना कन्वेंशन में। देखिए जितने भी कन्वेंशन होते हैं या जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको जस्ट समझ आना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं। ओके, तो सेक्शन वन है जिसमें पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा वियना कन्वेंशन का फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। सेक्शन टू में आपको डिसीजंस देखने को मिल जाएंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के, क्योंकि वो रेगुलरली चीजें अपडेट होती रहती है, रेगुलरली डिसीजंस हम लेते रहते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं उन पार्टीज की जिन्होंने इसको साइन कर रखा है, ठीक है। देन आता है सेक्शन थ्री जिसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स रहेंगे कि किस तरीके से मीटिंग होगी, कब कब होगी, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की मीटिंग्स हैं वो भी कैसे होंगी। ओके, अब बात आती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 1987 में। सो पॉइंट क्या है? वियना कन्वेंशन 1985 आपको याद रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है ये आपको याद रखना है, और पहला अपनी तरीके का पहला ऐसा कन्वेंशन है जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिली हुई है, और यूनिवर्सल रेटिफिकेशन कब मिली है? 2009 में मिली है। सो एटलीस्ट इतनी बातें आपको वियना कन्वेंशन से रिलेटेड याद रखनी है जी। फिर बात आ जाती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, क्योंकि मॉन्ट्रियल नाम की जगह पे हुआ इसलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोल दिया गया। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ऑन द सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ओके, सो पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिक जाके आपको मॉन्ट्रियल भी दे रखा है, वियना भी दे रखा है, ऑल्दो ऐसा हुआ नहीं है कि दोनों साथ में दे के और साइड में सिर्फ ओजोन लिख दें, क्योंकि ये दोनों ही ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, बट अगर बहुत डीप में जाएं इसको, तो आप अगर बिल्कुल ऐसे कन्फ्यूजन आ जाए, तो ये देख लीजिएगा कि सबसे पहले वियना कन्वेंशन आया था जो कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, और अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन लेके आएंगे कि वो सब्सटेंसेस जो कि डिप्लीट कर रही हैं ओजोन लेयर को, वो हमें उनका प्रोडक्शन और उनका कंजम्पशन कम करना है, ठीक है। और वो जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन उनका हो रहा है, उनको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोल रहे हैं, ODS बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या हो गया? सब्सटेंसेस के ऊपर है, जो कि एक लैंडमार्क मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है, जो कि उन सब्सटेंसेस के कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को अब रेगुलेट करेगा, और उन सब्सटेंसेस को हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोल रहे हैं, ठीक है।
जब ये रियलाइज होता है कि व्हेन रियलाइज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ये जो केमिकल्स हैं, चलो यहाँ पे आ ही गया मेरे क्वेश्चन का आंसर, स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन लेयर, यानी ये ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में, तो ट्रोपोस्फियर में है, स्ट्रेटोस्फियर में कहाँ है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर है, जिसको ये मतलब जब भी एनवायरमेंट में ऐसे ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, तो वहां पे वो जो लेयर है अर्थ की, प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन द सब्सटेंसेस जो कि डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है किसको, अर्थ की ओजोन लेयर को, बाय फेजिंग आउट द केमिकल्स दैट डिप्लीट इट। अब हमें क्या करना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए है, हमें फेज आउट करना है। फेज आउट मतलब वो जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको यूज से ही बाहर करना है, मतलब उनका ना प्रोडक्शन होना चाहिए ना ही कंजम्पशन होना चाहिए। ये है फेज आउट, कि बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए इनको, इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा पूरी की पूरी धरती पे। ठीक है, तो जो लैंडमार्क एग्रीमेंट है वो 1987 में साइन किया गया एंड 1989 से जो है ये किस में आ गया, एनफोर्समेंट इसकी हो जाती है। तो आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्या क्या चीजें याद रखने की जरूरत है, कि एक तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के फेज आउट से रिलेटेड है। ठीक है, वियना कन्वेंशन को हम बोल सकते हैं कि वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है, बट यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में स्पेसिफिकली हमें चीजों को फेज आउट करना है, उन सब्सटेंसेस को। ठीक है, फेज आउट से रिलेटेड है, ग्लोबल एग्रीमेंट है, 1987 में अडॉप्ट किया गया, 1989 में जो है एनफोर्स किया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। ठीक है जी, अब अगर फेज आउट की बात करें, सो एक और चीज है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फेजेस डाउन द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ODS इन अ स्टेप वाइज मैनर। कुछ कई जगह पे फेज आउट कर रहे हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये फेज आउट करना चाह रहे हैं। अगर हम HFCs की बात करेंगे तो उनको ये फेज डाउन करना चाह रहे हैं, यानी एक फेज आउट का मतलब होता है कि बिल्कुल हटाई देना, कि इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही ये प्रोड्यूस होगा, ना ही कंज्यूम होगा, और फेज डाउन का मतलब है कि उसका इस्तेमाल धीरे धीरे करके कम करना, उस फेज को डाउन करना है हमें। ठीक है, कि वो हार्मफुल है तो इसलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा यूज करने, मतलब उसका यूज जो है वो कम करना शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन उसका स्टेप वाइज मैनर में कम करना शुरू कर देंगे। और ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज का और डेवलपिंग कंट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट टाइम टेबल हमें देखने को मिलता है। यहां पे दो टाइप के कंट्रीज आपको दिख जाएंगे, एक जो आर्टिकल 5 में मेंशन है, एक जो आर्टिकल 5 में मेंशन नहीं है, तो उस कंफ्यूजन में जाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है जी, अंडर दिस ट्रीटी ऑल द पार्टीज हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके ऊपर हम उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं, क्योंकि वो संभालने के काबिल हैं। डेवलपिंग है उनको थोड़ी सी कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं, या थोड़ा ज्यादा टाइम फ्रेम दिया जा सकता है, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। उसके साथ साथ जो फेज आउट की बात हो रही है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की, किसकी, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की, उनको कंट्रोल करना, उनके ट्रेड को कंट्रोल करना, एक एनुअल रिपोर्ट जो है डाटा प्रोवाइड करना, नेशनल लाइसेंसिंग सिस्टम जो है जो कंट्रोल करेगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ऐसे सब्सटेंसेस को, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका हैव इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये ग्रुप के, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ये बाइंडिंग हैं, टाइम टारगेटेड हैं और मेजरेबल कमिटमेंट्स इन्होंने दे रखी हैं। ओके, सो बाइंडिंग याद रखिएगा कि हाँ इन्होंने साइन किया है तो ये बाइंड करते हैं उस चीज से कि हाँ करनी है इनको। टाइम टारगेटेड, टाइम रिलेटेड चीजें हैं, कि अगर ये बोल दिया कि तब तक ये फेज आउट हो जाना चाहिए तो वो करना है, और मेजरेबल कमिटमेंट्स हैं कि क्या आप मेजर कर सकते हैं उन कमिटमेंट्स को, जो हमने जो बाइंडिंग कमिटमेंट्स हैं उनको हम मेजर भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हमने किया या नहीं किया। ओके, अगर इस प्रोटोकॉल में फर्दर देखें तो प्रोटोकॉल जो है वो प्रोवाइड करता है कंट्रोल मेजर्स, वो किससे, वो है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में है कैलकुलेशंस ऑफ कंट्रोल लेवल, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे आप चीजों को। देन ट्रेड कंट्रोल करना है आपने विद नॉन पार्टीज, स्पेशल सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर्टिकल 5 में है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है और डेवलपिंग को स्पेसिफिकली उनकी स्पेशल सिचुएशन होती है कि कहाँ कहाँ उनको क्या क्या करना है।
ओके, तो आर्टिकल 5 में डेवलपिंग कंट्रीज मेंशन है, देन रिपोर्टिंग ऑफ डाटा आर्टिकल 7 में, नॉन कंप्लायंस आर्टिकल 8 में, टेक्निकल असिस्टेंट जो है, टेक्निकल असिस्टेंस आपको जो अलग अलग कंट्रीज से इंफॉर्मेशन के तौर पे या चीजों के तौर पे मिल जाएगी वो आर्टिकल 10 में मेंशन है। सो ये मेजर मेजर है, आज तक पूछे नहीं गए हैं किसी एग्जाम में, बट पूछे जा सकते हैं। स्पेशली आज ये जो है स्पेशल सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 5 में, ये पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है जी, देन जो सब्सटेंसेस, अब हमें, हम इतनी देर से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं ना, उनको भी इन्होंने लिस्ट में डिवाइड किया है। एनेक्सेस 1 में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हैलोन्स, ये याद करना जरूरी है। आज तक बहुत डिटेल में नहीं पूछा गया है कि कौन से एनेक्सेस में है, बट ये जरूर पूछा गया है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। ओके, सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हैलोन्स, देन अदर फुल्ली हैलोजिनेटेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या क्लोरो, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, देन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, सो ये यहां से शुरू होते हैं कि सबसे पहले ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हैलोन्स को क्या करेंगे, फेज आउट करेंगे, और बाकी फिर धीरे धीरे चीजें चलती रहेंगी। अगर इसमें फर्दर बात करें तो जो ट्रीटी है उसने ऑब्वियसली वो इवोल्व हुई है ओवर द टाइम, बिकॉज नई साइंटिफिक चीजें, टेक्निकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो चलते रहते हैं, सो वो इसीलिए अमेंडमेंट्स इसमें थोड़े थोड़े होते रहते हैं। ठीक है, कि अब जो है ये सिचुएशंस आ गई हैं तो हम इसमें ये अमेंडमेंट करके अब इन टारगेट्स को इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। सो मीटिंग ऑफ पार्टीज जो है वो डेफिनेटली होती रहेगी, कई बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोल देते हैं, मीटिंग ऑफ पार्टीज बोल देते हैं, तो इस ट्रीटी से रिलेटेड जो हमने काम कर रहे हैं एनुअल बेसिस पे, हम मिलते रहेंगे और उसको डिस्कस करते रहेंगे। जो पार्टीज हैं उनको कौन असिस्ट करेगा, ओजोन सेक्रेटेरिएट असिस्ट करेगा, जो कि बेस्ड है यूएनईपी। सो ये बात आप याद रख सकते हैं कि जो यूएनईपी कहां से क्रिएट हुआ था, ये स्टॉकहोम जो है 1972 में क्रिएट किया था इसको। सो अब इसके अंडर काम चल रहा है, ये देखिए आप। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, ये एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है जिसके हेडक्वार्टर्स कहां रहेंगे, नैरोबी केन्या में। सो वहां ये जो है पार्टीज को असिस्ट कौन करेगा, ओजोन सेक्रेटेरिएट असिस्ट करेगा। मल्टीलेटरल फंड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार पूछ लिया जाता है कि मल्टीलेटरल फंड किससे रिलेटेड है, सो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। इसके इंप्लीमेंटेशन की जो है, मल्टीलेटरल फंड क्रिएट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन के लिए, कब एस्टेब्लिश किया गया, 1991 में अंडर द आर्टिकल 10। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि आपको इस तरीके से जो मैच द फॉलोइंग आते हैं ना उसमें भी दिया मिलता है कि जो है मल्टीलेटरल फंड किससे रिलेटेड है। सो वो मल्टी, एम से मल्टी, एम से मॉन्ट्रियल, ऐसे याद रख लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो है हमने बनाया, एस्टैब्लिश किया, 1989 में हमने उसको इन्फोर्स किया, और 1991 में जाके हमने मल्टीलेटरल फंड क्रिएट कर दिया जो कि इसकी इंप्लीमेंटेशन में हमारी हेल्प करेगा, और आर्टिकल 10 के अंडर हमने इस ट्रीटी का जो आर्टिकल 10 है उसके अंडर इसको एस्टैब्लिश किया है। ठीक है जी, अब इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, जो किसको, डेवलपिंग कंट्रीज की पार्टीज को, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज को ही लगा लीजिए आप। सो उनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि मतलब होता है ना, हुज एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इज लेस देन 0.3 kg, टू कंपाइल विद द कंट्रोल मेजर्स ऑफ प्रोटोकॉल। सो ये लिमिट लगा दी इन्होंने कि ये प्रोटोकॉल उन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है जिनके ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस का कंजम्पशन और प्रोडक्शन एनुअली पर कैपिटा अगर निकाला जाए सो वो 0.3 kg से कम है। सो 0.3 kg को अगर मैं लगाऊं तो 300 ग्राम से कम होना चाहिए, ऐसा पर कैपिटा, जितनी आपकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से। ओके, सो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हेल्प करेंगे, ये फंड का ऑब्जेक्टिव ही हेल्प करना है डेवलपिंग कंट्रीज की। देन है ये जो मल्टीलेटरल फंड की एक्टिविटीज हैं, ये 4 इंटरनेशनल एजेंसीज इंप्लीमेंट करेंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली कौन सी एजेंसी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, दूसरी रहेगी यूएन की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी, देन यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएनआईडीओ एंड द वर्ल्ड बैंक। कई बार वर्ल्ड बैंक अगर दे दिया जाए तो बैंक सुन के हम सोचते हैं कि क्या ही होगा इससे रिलेटेड, तो बट ये होता है। तो ये चारों की चारों एजेंसीज जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे, इनको आप याद रखेंगे, यूएनईपी, यूएनडीपी, देन यूएनआईडीओ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है जी, एज वेल एज बायलेटरल एजेंसीज ऑफ नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज, यानी नॉन आर्टिकल 5 एक तरीके से डेवलप कंट्रीज हो गए, सो वो नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज जो हैं वहां से भी और बायलेटरल एजेंसीज हो सकती है। कि मान लो इंडिया जो है वो किसी, मान लो यूएस के साथ कुछ कर रहा है मिलके, या यूएस की कोई एजेंसी हमें हेल्प कर रही है, सो वो एजेंसीज भी इसके अंदर आ सकती हैं बायलेटरल।
ठीक है, दो देशों के बीच वाली. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, फॉर ओवरसीइंग द ऑपरेशन ऑफ फंड रेस्ट विद एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं, ईच फ्रॉम आर्टिकल 5 कंट्रीज एंड नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज. सो ऑब्वियसली इसमें 7 मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव कमेटीज में, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए. कमेटी इज असिस्टेड बाय द मल्टीलेटरल फंड सेक्रेटेरिएट विच इज बेस्ड इन मॉन्ट्रियल. तो मल्टीलेटरल फंड सेक्रेटेरिएट कहाँ पे बेस्ड है, मॉन्ट्रियल में बेस्ड है. ओजोन सेक्रेटेरिएट कहाँ बेस्ड थी, केनिया नारोबी पे बेस्ड थी. तो ये एक आधी चीजें आप याद रख सकते हैं. थ्रू आउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट उन्होंने कर दिया है कि अगर आपको असिस्टेंट सही मिले और आप विलिंग हैं, रेडी हैं चीजें करने के लिए, तो आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट आराम से कर सकते हैं. इनफैक्ट कुछ एक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो लिमिट दी गई थी कि आप इस लिमिट तक ही कर सकते हैं, उन्होंने उसको भी एक्सीड किया है. मतलब इस लिमिट तक आपको प्रोडक्शन करनी थी, उन्होंने उससे भी कम जाके की है चीजें. सो जो उनके टारगेट्स थे उनसे कहीं ज्यादा, मतलब वो होता है कि कहीं ज्यादा उन्होंने काम किया है. किसकी हेल्प से, मल्टीलेटरल फंड की हेल्प से. ठीक है, अब बात आती है मॉन्ट्रियल अमेंडमेंट में या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में HFCs, ये HCFCs की. तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इनको फेज आउट करने की बात हो रही है. ठीक है, ये गैसेस कहाँ यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में, देन ये एयर कंडीशनिंग में या फोम एप्लीकेशंस में. सो बेसिकली ये अलग अलग जगह यूज होती है जो कि बहुत डिप्लीट करती है ओजोन लेयर को. हमें इनको फेज आउट करना है. ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर बोथ ओडियस एंड पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस. सो ये दो दो काम हो गए. अब ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा रही है, ये ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं और ये ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस में भी आती हैं, तो ओजोन को भी डिप्लीट कर रही हैं. ठीक है, सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो नियरली 2000 टाइम्स मोर पोटेंट हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें. यानी कि अगर आपसे पूछा जाए CO2 और जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनमें से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सो इनमें से कौन सा जो है वो ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है, तो ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो ज्यादा जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इनमें ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल है. और कितना ज्यादा, 2000 गुना ज्यादा. ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कई बार इसको सीक्वेंस में लगाते टाइम पूछ लिया जाता है. रिकग्नाइजिंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स टू द अर्थ क्लाइमेट, 2007 में पार्टीज ने डिसाइड किया कि ये जो शेड्यूल है एक्सेलरेट करेंगे हम इसको, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम क्या कर रहे हैं, फेज आउट करना चाह रहे हैं ना, इसको थोड़ा स्पीड अप करना है हमें. डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनको अपने रिड्यूस कर रहे हैं कंजम्पशन को, और वो फेज आउट जो है 2020 तक कंप्लीट कर देंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया. और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उन्होंने अग्री किया कि वो अपना फेज आउट जो है प्रोसेस 2013 में स्टार्ट कर देंगे और 2030 तक वो बिल्कुल कंप्लीट फेज आउट कर देंगे. ठीक है, सो ये दो टारगेट्स हो गए. अब बात आती है फेज डाउन, यानी किगली में जो अमेंडमेंट किया गया ना, अभी तक तो हमने फेज आउट की बात की थी और वो भी किसकी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की. ओके, अब बात आती है जो किगली अमेंडमेंट है उसमें हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो नहीं है अब इसमें. ओके, तो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं हमने पहले क्या किया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस किया था. इनको अगर फेज आउट कर रहे हैं तो किसी चीज से तो रिप्लेस करेंगे ना, हम रिप्लेस कर रहे थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से. लेकिन हमने ये चीज समझ आती है कि ऑब्वियसली ये नॉन ओजोन डिप्लीटिंग है, लेकिन ये वो क्या है हमारे पास, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, तो हमें इनको भी कम यूज करना चाहिए. ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ये जो केमिकल्स हैं ये डिप्लीट तो नहीं करते ओजोन लेयर को, बट इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 12,000 से 14,000 गुना ज्यादा है, मतलब इस रेंज में है. ठीक है, तो ये पोटेंशियल है इनका ग्लोबल वार्मिंग करने का, यानी कि टेम्परेचर जो है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा उससे, हमें वो भी तो इंक्रीज नहीं होने देना ना. सो इसलिए इनको फेज डाउन करना है, धीरे धीरे करके इनका इस्तेमाल कम करना है. ओके, तो जो ओवरऑल अगर हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का एमिशन देखें वो ग्रो कर रहा है 8% पर ईयर, और एनुअल इमिशंस को अगर हम देखेंगे सो वो राइज कर रहे हैं 7-19%. ठीक है, तो बाय ये ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशन बाय 2050. सो पॉइंट क्या है कि हमें ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है इसको कंट्रोल में लाना है. अगर ये ऐसे ही चलती रही तो हमें, हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो राइज हो जाएगा, लेकिन हमें उसको बिलो 2 डिग्री, इस सेंचुरी में बिलो 2 डिग्री ही रखना है, कोशिश करनी है एटलीस्ट. ठीक है, मतलब जो राइज हो रहा है वो राइज होए तो गा, बट वो राइज 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है. अर्जेंट एक्शन हमें लेना है, जरूरत है इसकी, ताकि हम क्लाइमेट सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें. सो वो चीज कहाँ से आती है, जो फिर हमारा दूसरा ग्रुप आ जाता है,
एक सेकेंड, अच्छा ये रिपीट होगी ना स्लाइड, हाँ ठीक है। सो जो पार्टीज है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, वो एक एग्रीमेंट पे आती हैं। इस किस बात पे एग्रीमेंट पे? ये फेज डाउन करने की बात पे। तो एक मीटिंग जो 28th मीटिंग, क्योंकि हर साल मीटिंग तो हो रही है ना, सो जो 28th मीटिंग है पार्टीज की 15 अक्टूबर 2016 को किगली में होती है, रवांडा जगह, देन अफ्रीका में है ये जगह, टू फेज डाउन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम पहले फेज आउट की बात कर रहे थे, किसकी? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। उसकी जगह पे हमने यूज करना शुरू किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, लेकिन ये नॉन डिप्लीटिंग तो हैं, बट उसके साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। इसलिए किगली में जब कॉन्फ्रेंस हुई, सो वहां पे हमने अमेंड किया चीजों को, तो इसको किगली अमेंडमेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट क्या किया कि हमें रिड्यूस करना है इनका यूज, इनका इस्तेमाल रिड्यूस करना है बाय 80-85% बाय द लेट 2040s। तो अब जितना है ना 2040s तक जाते जाते 80-85% डाउन करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रिडक्शन कौन करेगा? बाय डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि एक्सपेक्ट की गई 2019 में, एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो फॉलो करेंगे विद फ्रीज ऑफ HFC कंजम्पशन लेवल इन 2024, यानी जितना है उसको वहीं फ्रीज कर दीजिए, अब बढ़ना नहीं चाहिए। यानी 2024 तक आपका जो हो रहा है ठीक है, बट 2024 में जो चीजें हैं उसको फ्रीज कीजिए, अब जो है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका प्रोडक्शन और कंजम्पशन, और 2028 और कुछ एक कंट्रीज का 2028 में भी बोला। ओके, लेकिन पहला रिडक्शन कौन करेगा? डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वो फुल्ली डेवलप्ड है तो वो चीजों को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इश्यू हैज बीन अंडर नेगोशिएशन ऑफ पार्टीज सिंस 2009, और 2016 में जाके ये इश्यू जो है वो पास होता है किगली अमेंडमेंट में, और किगली अमेंडमेंट फोर्स कब से एनफोर्स कब से हो जाएगा? 1 जनवरी 2019 से फॉर द कंट्रीज दैट हैव रेटिफाइड द अमेंडमेंट। सो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि किगली अमेंडमेंट कब आया? 2016 में आया किगली में, और उसको एनफोर्समेंट की बात कब आई? 1 जनवरी 2019 से। ओके, जिन्होंने रेटिफाई कर रखा है इस अमेंडमेंट को। देन बात आती है जी पाथवे जो है ना टू इंप्लीमेंट HFC फेज डाउन, उसमें हमें क्या करना है? हमें डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है, क्योंकि हमने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को क्या किया? फेज आउट किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर, राइट? जब इसको फेज आउट कर दिया तो इसकी जगह कुछ और तो यूज करना पड़ेगा ना, जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर में यूज हो रही थी, AC में यूज हो रही थी, अब इसकी जगह क्या यूज करें? तो इसकी जगह जो डिप्लीट ना करें, जो कि है हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, उनको हमने यूज करना शुरू किया। लेकिन फिर हमने रियलाइज किया कि इनका तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो हमें अब इसको रिड्यूस करना है। सो अब हमें जो हम डिपेंड हो गए हैं ना, जैसे ही हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फेज आउट हुए, हम इस पे डिपेंडेंट हो गए, तो इस पे जो डिपेंडेंसी है हमारी वो हमें कम करनी है, और हमें अडॉप्शन जो भी कोई चीज या जो ऐसी जो है टेक्नोलॉजी जो कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को कम, जिसका पोटेंशियल कम है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, उसको अडॉप्ट करना है। सो ये दो चीजें आपको अब करनी है, डिपेंडेंसी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स पे कम करनी है, और जिन पे जो लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हैं उनके ऊपर हमें डिपेंडेंसी अडॉप्शन उनका बढ़ाना है। ठीक है, सो ये जो स्मार्ट अप्रोच है, ये डेफिनेटली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एलिमिनेट करने हैं, वाइल एट द सेम टाइम हमें एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी का भी गेन करना है, और CO2 एमिशन भी रिड्यूस करना है। सो ये दो चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं, क्लाइमेट को बेनिफिट, यानी उसको क्लाइमेट को भी साथ के साथ बेनिफिट होता रहे। ओके, ये एक पाथवे इन्होंने दे रखा है, कहां तक का? 2047 तक का, किगली में जो अमेंडमेंट हुआ 2016 में, उसके बाद कि कैसे हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को HFCs को फेज डाउन करना है, ये उसकी टाइमलाइन इन्होंने मेंशन कर रखी है। इस टाइमलाइन में ये टाइमलाइन यहां पे आपको साफ दिख जाएगी, यानी कि ये रहा, सो 1996 से 2020 तक हमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फ्रीज करना था और फिर फेज आउट करना था जो नॉन आर्टिकल 5 वाले हैं उनको। फिर 2013 में हमने शुरू करना था जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो 2013 से 30 तक जो है वो फ्रीज करेंगे और फेज आउट करेंगे आर्टिकल 5 वाले कंट्रीज। तो ये बात याद रखिए कि कोई भी चीज पहले इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? जो नॉन आर्टिकल 5 वाले, क्योंकि वो आर्टिकल 5 में डेवलपिंग कंट्रीज आ गए ना, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक तरीके से नॉन आर्टिकल 5 वाले कंट्री हो गए, और वो पहले कोई भी चीज को पहले फ्रीज करेंगे फिर फेज आउट करेंगे। जब उनका फेज आउट चल रहा होगा एक तरीके से, तब जाके जो है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि आर्टिकल 5 में हैं, वो पहले फ्रीज करेंगे HCFCs को, फिर फेज आउट करेंगे। देन 2011 से लेके 13 तक ये बेसलाइन ईयर आ गया नॉन आर्टिकल 5 का, 2019 से 36 तक इनको फेज डाउन करना है।
ओके okay, और 2020 से 36 तक इनको फेज आउट फेज डाउन जो है वो लेटर स्टार्ट मतलब अर्ली और लेटर वाली. सो ये ओवरऑल फेज डाउन वाली स्थिति चल रही है. हमने 2040s तक की बात की थी ना, तो वही चीज यहाँ पर है. उसके बाद अगर बात करें तो ये अगेन ये भी फ्रीज और फेज डाउन वाली चीज आ गई कि ग्रुप्स बना दिए उसमें कि कौन कैसे करेगा. तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप बस ये याद रखिए कि जो 12 कंट्रीज हैं यानी कि जो नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज हैं वो पहले किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं और उसके बाद फिर आर्टिकल 5 वाले कंट्रीज तक बात पहुंचती है. ओके ये पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कौन सी एसडीजीज में कॉन्ट्रीब्यूट करता है. सो 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13 और 17 तो ये जो है यहाँ पे 5, 4, 9 ये 9 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एक तरीके से कैसे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है. यानी नो पॉवर्टी, क्योंकि क्लाइमेट अच्छा होगा तो चीजें बेटर हो पाएंगी, उसकी वजह से जीरो हंगर होगा, गुड हेल्थ भी हो पाएगी, जेंडर इक्वालिटी, देन ये डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ साथ करनी है क्लाइमेट के साथ साथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस रहेगा, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज हम बना पाएंगे, क्लाइमेट एक्शन ले पाएंगे और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. सो वो हम पार्टनरशिप कर पाएंगे एक दूसरे के साथ. सो ये 9 गोल्स में कॉन्ट्रीब्यूट करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सक्सेस क्या मिली है अब तक, तो ऑब्वियसली विद द फुल एंड सस्टेन्ड इम्प्लीमेंटेशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हमने मिडल ऑफ दिस सेंचुरी तक रिकवर करना शुरू कर दिया है ओजोन लेयर को. ठीक है, सो अब वो और ज्यादा खराब होने के बजाय उसको ठीक करना शुरू कर रहे हैं हम. अगर ये ट्रीटी नहीं होती तो ओजोन डिप्लीशन 2050 तक 10 गुना बढ़ चुका होता जो अब लेवल्स हैं उसके वो, बट इसकी वजह से अब चीजें कम होंगी. और अगर ये बढ़ चुका होता तो जो मिलियंस ऑफ एडिशनल केसेस जो है वो मेलानोमा के यानी कैंसर्स और अदर टाइप के, मेलानोमा इज लाइक स्किन कैंसर आई थिंक, और बाकी अदर कैंसर्स के, आई कैटरेक्ट के, तो ये दिक्कतें बढ़ जाती बहुत ज्यादा. ठीक है, अभी अब क्या हो रहा है, अगर आप मान के चलें थोड़ा समझने की कोशिश आप कंपेयर कर पाएं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से अगर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होता ना तो बहुत सारे स्किन कैंसर केसेस आ जाते. बट एस्टिमेटेडली 2030 तक हर साल 2 मिलियन पीपल जो है वो स्किन कैंसर के केसेस आते अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होता. 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोगों को हर साल स्किन कैंसर हो जाता अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम नहीं बनाते करते. बट अब जो है 2030 तक इतने सारे लोगों को इन्होंने बचा लिया है. सो ऑब्वियसली काफी सक्सेसफुल जो है वो रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. अब तक चीजें चल रही हैं, टारगेट्स पूरे किए जा रहे हैं, किगली अमेंडमेंट किया जा रहा है पूरा. सो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा अमेंडमेंट और बहुत अच्छा प्रोटोकॉल ये रहा है हमारे लिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. तो क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे तो एटलीस्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं उनमें तो एटलीस्ट इसकी जो अवेयरनेस है वो आ पाएगी. ठीक है जी, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगली अमेंडमेंट में अब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सारी चीजें जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दी हैं ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. ओके सो फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स.